गाइस, दिस इज डीआईवाई बाय गुल और आज मैं आई हूँ अपने नए वीडियो के साथ। तो आज मैं बोलने वाली हूँ एक्ने के बारे में। आई एम गोना प्रिपेयर अ फेस मास्क, बहुत इजी फेस मास्क है जो घर पे बनाया जा सकता है। मैं टमाटो को यूज करके एक एक्ने फेस मास्क बनाने वाली हूँ। गाइज, एक्ने बहुत ही कॉमन चीज है, सबको होता है, बॉयज को होता है, गर्ल्स को होता है, बड़ों को होता है, सबको होता है। सो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। इस फेस मास्क से टोमेटो बहुत इफेक्टिव है एक्ने को हटाने के लिए और आपकी स्किन को ग्लो देने के लिए। तो अगर आपके पास एक्ने नहीं है तो भी यू कैन यूज दिस मास्क टू गेट सम ग्लो ऑन योर स्किन। तो चलिए शुरू करते हैं और इस वीडियो को एंड तक देखिए एंड लेट्स बिगिन। फेस मास्क को बनाने के लिए हमें चाहिए एक छोटा सा कप, ब्रश जो ऑप्शनल है, टोमेटो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, इसके अंदर विटामिन ए सी के एक्ने को रिड्यूस करता है, हनी एक मैजिकल इंग्रेडिएंट है, बैक्टीरिया को कंट्रोल करता है और स्पीडली एक्ने को रिकवर करता है, एलोवेरा स्किन को कूल रखता है, रेडनेस एंड इचिंग को कम करता है, स्किन को मॉइस्चराइज भी रखता है। तो पहले हम टमाटो को कट करके उसको अच्छे से एक ब्लेंडर में भर देंगे और इसको एक पेस्ट में ब्लेंड कर देंगे। तो हम लेंगे 2 स्पून्स ये टमाटो पेस्ट। अभी इसमें वी विल ऐड 1/2 स्पून एलोवेरा जेल। अभी हम इसमें 1 स्पून हनी ऐड करेंगे। गाइस, हनी इज वेरी मच इफेक्टिव, एक्ने को बहुत जल्दी रिकवर करेगा। अभी इस पेस्ट को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। मैं थोड़ा सा लेमन ऐड कर रही हूँ क्योंकि ये ऑयल को रिड्यूस करता है और स्किन के स्कार्स को भी मिटाता है। नाउ लेट्स अप्लाई द पेस्ट। मैं इधर एक ब्रश यूज कर रही हूँ, आप चाहे तो अपना फिंगर्स भी यूज कर सकते हैं। और पेस्ट लगाने से पहले प्लीज डू वॉश योर फेस, बहुत इम्पॉर्टेंट है अपने फेस को क्लीन रखना। तो इस पेस्ट को अपने फेस पे इवनली लगाए। पेस्ट को लगाने के बाद हमें वेट करना है आधा घंटा। आधा घंटा के बाद हमें अपने फेस को ऐसे मसाज करना है सर्कुलर मोशन में। Let's wash it. So now I washed my face and you can see the result. My face is glowing and जिनको acne है उनको ज्यादा ही result दिखेगा। acne काफी ही कम होता है। इस mask को weekly twice लगाए 1 महीने के लिए और देखिए कि acne चला जाएगा completely. तो अभी हम अपना फेस को मॉइस्चराइज करेंगे। कौन सा भी फेस क्रीम यूज कर सकते हैं आप। मैं यूज कर रही हूँ गार्नियर क्रीम, दिस इज माई फेवरेट। तो एक टिप देती हूँ गाइस, जब भी आप लोग क्रीम लगा रहे हो हमेशा ऐसे ऊपर की तरफ क्रीम लगाइए। आप अपने स्किन को जितना लिफ्ट करोगे वो उतना अच्छा दिखेगा और आपकी स्किन हमेशा टाइट रहेगी। सो ये टिप हमेशा याद रखिए। अभी हम लिप बाम लगाएंगे बिकॉज लिप्स को भी मॉइस्चराइज रखना जरूरी है। और इस लिप बाम को मैंने घर पे बनाया है, इसका वीडियो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, प्लीज डू वॉच।
तो इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो देख के तो प्लीज ड्रॉप अ लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और अगर मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब का बटन जरूर क्लिक कीजिएगा एंड कमेंट डाउन बिलो डिड यू लाइक माई वीडियो।